Hello everyone. So we are solving the exercise of the chapter Chemical Kinetics, and today it's the turn of question number 24. So let's see the question. The question says, consider a certain reaction A gives you products with K equals to 2.0 into 10 to the power minus 2 second inverse. Calculate the concentration of A remaining after 100 seconds if the initial concentration of A is 1 mole per liter. देखिए क्या क्या given है आपको. सबसे पहले तो हम देखेंगे, हमें given है K की value. K is 2.0 into 10 to the power minus 2 second inverse. तो हमें ये second inverse देखकर पता चल जाना चाहिए कि ये बात हो रही है for a first order reaction. ठीक है, for a first order reaction. ठीक, हमें कैलकुलेट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 100 सेकेंड्स इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 1 मोल पर लीटर. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लिखेंगे फॉर्मूला. क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर एट एनी टाइम टी. ठीक है, अब क्या क्या गिवन है यहाँ पर आपको? आपको दी हुई है K की वैल्यू 2 into 10 to the power minus 2. आपको दी हुई है T की वैल्यू, टाइम पता है आपको 100 सेकेंड्स. ठीक है, आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 1 मोल पर लीटर. आपको निकालना क्या है, आपको कैलकुलेट करनी है R की वैल्यू. ठीक, अब सारी चीजें पता चल गई हमें, तो हम यहाँ से वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देंगे. सो K इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T इज 100 लॉग ऑफ R नॉट इज 1 डिवाइड बाय R की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. ठीक, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और ये जो है यहाँ पर 100 ये भी ऊपर जाके हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2, तो हम इसको कर सकते हैं कैंसिल. पर चलिए लिख लेंगे एक और स्टेप में, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 2.303 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लॉग ऑफ 1 बाय आर. प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग ए बाय बी इक्वल्स टू लॉग ए माइनस लॉग बी. अब तो हम इतनी बार यूज कर चुके हैं कि हमें याद हो चुकी होंगी, राइट? तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log ऑफ r. ठीक है, अब यहाँ पर ये 10 टू द पावर माइनस 2 से 10 टू द पावर माइनस 2 कैंसिल और log 1 की वैल्यू कितनी होती है? log 1 की वैल्यू होती है 0 के इक्वल. ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से हमारे पास क्या क्या बचा? 2 इक्वल्स टू 2.303 log 1 इज 0 माइनस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r. ठीक, आपको निकालनी है log r की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड बाय 2.303 इज इक्वल टू माइनस ऑफ log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r, राइट? ये माइनस को यहां से हटाएंगे तो इधर चले जाएगा, तो आपके पास log r की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाय 2.303. इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा माइनस 0.8684. ठीक है, यहां तक तो हमने कर दिया, बट आपसे पूछी गई है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, नॉट लॉग ऑफ आर. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लेंगे एंटी लॉग. तो आर इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.8684. ठीक है, एंटी लॉग निकालना हमें आता है, इसको कैसे करेंगे? आर इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.8684, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज नहीं है एंटीलॉग टेबल में, इसलिए हम इसमें करते हैं प्लस 1 माइनस 1. इससे क्या हुआ, आपके पास ये वाली टर्म थी, ये हो जाएगी पॉजिटिव और एक साथ में आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1. तो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ 1 माइनस 0.8684, ये आएगा 0.1316. इसका लेंगे एंटीलॉग इनटू माइनस 1, एंटीलॉग ऑफ माइनस 1 इज 10 टू द पावर माइनस 1, राइट? अब आप इसके बाद देख लेंगे एंटीलॉग वाली टेबल,
वहां से एंटी लॉग 0.1316 की वैल्यू आ जाएगी 1.354 इनटू 10 टू द पावर माइनस 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 0.1354 यूनिट क्या होगी कॉन्सेंट्रेशन की, मोल पर लीटर, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बाय बाय।